Assalamu alaikum dear students, today we are going to discuss chapter number 5 of your disaster management book, that is road safety education. First of all, we will discuss why road safety education is necessary. So first of all, we will start this chapter with an introduction. जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे मुल्क का जो रोड नेटवर्क है वो दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद. और जियोग्राफी के लास्ट वाले यूनिट में भी आपने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे नेशनल इकोनॉमी हमें कितनी हासिल होती है, यानी कि इट मेक्स अ वाइटल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो रोड फैसिलिटीज वैसी नहीं है जिससे हम हर रोज एक्सीडेंट्स को देखते हैं और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो जाते हैं. और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है कि हर रोज आए रोज लोग एक्सीडेंट्स की वजह से मर जाते हैं और मुल्क में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, यानी कि एक बर्निंग इशू बन चुका है, सोशल इशू बन चुका है. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सर्वे सामने आया कि एक साल में इंजरीज की वजह से 1.2 मिलियन लोग इसका शिकार होते हैं, यानी मर्द, औरतें, बच्चे, यानी पूरे ग्लोब में. और ज़्यादातर जो लोग शिकार होते हैं वो किस मुल्क से वाबस्ता है, यानी कि हमारे मुल्क से, इंडिया से, जहाँ पे राह चलते लोग, यानी कि राहगीर, मोटरसाइकिलिस्ट्स, पैसेंजर्स, वो ज़्यादातर इसके शिकार होते हैं क्योंकि ड्राइवर्स के पास प्रोफेशनलिज्म की कमी है और उनमें ट्रेनिंग का कोई कायदा मौजूद नहीं है, ना वो इसकी कदर करते हैं. जिस तरह इंटरनेशनली कायदे कानून का ख्याल रखा जाता है वैसा कुछ हमारे मुल्क में नहीं होता. और जिन लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक ड्यूटी पे मामूर किया जाता है वो लोगों को बचाने की खातिर अपने पेट को बचाने में लगे होते हैं, यानी कि वो अपने फ़र्ज को पूरे तरीके से अंजाम नहीं देते. अगर हमें लोगों को बचाना है तो हमें इस ज़मन में सख्त इकदाम उठाने हैं, हमें ये ज़िम्मा अपने कंधों पे लेना है अपने अपने एरिया में, ताकि हम लोगों की जानों को बचा सके. हिंदुस्तान में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोग अपनी जान खो देते हैं. तो इस इशू को, इस बर्निंग इशू को सॉल्व करने के लिए हमें रोड सेफ्टी मेजर्स को अपनाना है. इस ज़मन में यूनियन गवर्नमेंट को चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर लॉज को इम्प्लीमेंट करे, यानी कि कुछ ऐसे कवानीन नाफिजुल अमल में लाए ताकि लोग एक्सीडेंट्स का शिकार न हो पाए. तो इस ज़मन में हमें फौरी तौर पे अमेंडमेंट्स लानी है, चेंजेस लानी है. जो मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लानी है, यानी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पास हुआ था इसी मसले को लेकर कि रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट सिनेरियो को कैसे एड्रेस किया जाए, उसमें हमें अमेंडमेंट्स ज़रूरी लानी है. इसके बाद हम जिक्र करेंगे व्हाई डू चिल्ड्रंस हैव एक्सीडेंट्स, बच्चे ज़्यादातर एक्सीडेंट्स का शिकार क्यों होते हैं, बच्चों से ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं.
اور یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے اور سٹیجز کے ذریعے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے. چاہے بچے ڈیولپڈ کنٹری سے ہو یا ڈیولپنگ کنٹری سے ہو, بوتھ آر ولنریبل ٹو روڈ ایکسیڈنٹس, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ کامن ریزنز ہیں. دیکھیے کیا کیا. بچے اکثر اپنے ذاتی مفادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے وہ اپنے اطراف سے غافل ہو سکتے ہیں. دوسرا, ان میں تجربہ یا ترقی کا فقدان ہے. تیسرا, تجسس یا جرات کا جذبہ بچے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. چوتھا, لڑکے خاص طور پر دوستوں میں اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے اور ان تک پہنچنے کا خاص طور پر خطرہ رکھتے ہیں. پانچواں, گھر میں پریشانیوں, حسد اور پرتناؤ, جوش و خروش یعنی ولولہ بچے کو اندھے پن کے خطرے میں ڈال سکتا ہے. چھٹا, والدین کی ناکافی نگرانی, یعنی کہ والدین اپنے بچوں پر زیادہ تر نظر گزر نہیں رکھتے. ساتواں, خیال حراستی کی ناقص طاقت, توجہ اور جسمانی قابو میں رکھنا, یعنی کہ یہ سب والدین نہیں کرتے, بچے پہ وہ زیادہ غور نہیں کرتے. نواں, ٹریفک اشارے اور ٹریفک قوانین کو سمجھنے پر شعور کی کمی. دسواں, ٹریفک کے ماحول میں خراب طرز عمل. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ایکسیڈنٹس آر کازڈ, ایکسیڈنٹس کیسے ہوتے ہیں. جو پہلا کاز ہے وہ ہے ڈرائیونگ کے وقت لاپرواہی اور گاڑی کو تیز چلانا, سپیڈ کے حساب سے گاڑی کو نہیں چلانا, اور یہ مین کاز بنتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا. دوسرا, ڈیورنگ ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال کرنا. موبائل فون کے استعمال کے پھیلاؤ کے نتیجے میں ہماری سڑکوں پر خطرے کی سطح میں اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ بہت سارے ایکسیڈنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگ جب گاڑی چلاتے ہیں تو وہ زیادہ تر موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے عام طور پر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. ایک تو ہے ڈرائیونگ کے وقت کھانا, یعنی کہ ایٹنگ کرنا, سموکنگ کرنا, دوسروں کی باتوں میں مشغول رہنا, اونچی آواز میں میوزک سننا, دوسرے پیسنجرز کی اور دیکھنا اور ان کے ساتھ باتوں میں مشغول رہنا, اور سب سے بڑا ریزن ڈرائیونگ کے وقت نیند آنا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایسے کاہل ڈرائیوروں کی وجہ سے ہر سال 100,000 ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. پانچواں ریزن, ڈرائیونگ کے دوران ڈرنک کرنا, کیونکہ نارکوٹک سبسٹنس سے انسان کے ہوش بحث ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا, تو اس وقت ڈرائیونگ انسان کیسے کر سکتا ہے. اور چھٹا جو ریزن ہے وہ ہے ربر نیکنگ, یعنی کہ جب ڈرائیورز کسی اور چیز کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, یعنی کہ رول کی اور دیکھتے ہیں, دوسرے ایکسیڈنٹس کو دیکھتے ہیں, سن سیٹ کی اور دیکھتے ہیں, اور پھر وہ بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک ریزن کہ گاڑیوں کو بنا چیک کیے ہوئے, یعنی کہ نکلنے سے پہلے وہ گاڑیوں کو چیک نہیں کرتے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں, یعنی کہ انہیں ڈرائیونگ کے وقت پھر یاد آتا ہے, تو یہ بھی ایکسیڈنٹ کا باعث بن جاتا ہے. اور جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے ڈیفیکٹ آن روڈ وے کنسٹرکشن, یعنی کہ روڈز کی مرمت اچھے سے نہیں ہوتی, یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے. اور جو ایک بڑا ریزن ہے وہ ہے پور ویدر کنڈیشنز, یعنی کہ خراب موسمی حالات, یعنی کہ ہمیں پورے صحیح طریقے سے موسم کے حالات
موسم کی کنڈیشنز کے متعلق ہمیں پورے طریقے سے اویئر نہیں کیا جاتا، جس سے انسان ایسے ہی نکل پڑتا ہے اور لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، روڈز میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان ایکسیڈنٹس کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو حادثات کو روک سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مختلف طبقات ہیں جو اپنی ذمہ داری سے روڈ ایکسیڈنٹس کو روکنے میں یعنی کہ کم کرنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں، جیسے ٹریفک پولیس۔ انہیں لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں پیش آنا چاہیے اور قانون کے حساب سے ان سے بات کرنی چاہیے، یعنی کہ قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں، ایوریبڈی از ایکول ان دا آئیز آف لا۔ دوسرا، لوگوں کے نمائندے یعنی کہ پیپلز ریپرزنٹیٹیوز۔ انہیں لوگوں کی پرابلمز کے بارے میں جاننا چاہیے اور انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان پرابلمز کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس زمن میں قوانین بنائے اور ان کو نافذ العمل بنائے۔ تیسرا، سول سوسائٹی۔ ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سپورٹ کرے لوکلٹی کو یعنی کہ کمیونٹی کو، تاکہ روڈ سیفٹی میجرز کو امپروو کیا جا سکے۔ چوتھا، پالیسی فارمولیٹرز۔ انہیں چاہیے کہ وہ پریشانیوں سے آگاہ ہو اور پریشانیوں کو حل کرنے میں کا مثبت رول ہو، ڈپارٹمنٹل لیول پہ بھی اور منسٹر لیول پہ بھی۔ پانچواں، ٹیچرز۔ ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ روڈ سیفٹی ایجوکیشن کو حاصل کرے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایسی شکشا دے سکے جس سے وہ ہر ایک اپارچونیٹی سے لیس ہو جائیں گے۔ چھٹا، ڈرائیورز۔ انہیں ٹریفک میں بچوں کی حدود سے آگاہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روڈ سیفٹی یعنی کہ موٹر ویکل امینڈمنٹ بل 2016 کے بارے میں۔ اسے گورنمنٹ نے کب اپرو کیا تھا، یعنی کہ 2016 میں اس بل کو اپرو کیا گیا تھا۔ 1988 میں جو موٹر ویکل ایکٹ پاس کیا گیا تھا، اب اسی میں امینڈمنٹس کے لیے 2016 میں ایک نیا قانون بنایا گیا، موٹر ویکل ایکٹ امینڈمنٹ بل 2016، کہ روڈ سیفٹی سینیریو میں امپرومنٹ لائی جائے۔ کہاں؟ ملک میں۔ اس ایکٹ میں یہ طے پایا گیا کہ پینلٹیز کے ذریعے وائلیشنز کو روکا جا سکتا ہے اور پینلٹیز کے ذریعے ہی لوگ وائلیشن کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس بل کے کی فیوچرز کیا کیا ہے دیکھیے۔ کمپنسیشن، پہلے ہی اگر کسی کے ہاتھوں یعنی کسی کی موت واقع ہو ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہٹ اینڈ رن کیس میں، تو کمپنسیشن کو انکریز کیا گیا 25,000 سے 2,00,000 تک۔ 2,00,000 تو اسے اس کی اور سے ملیں گے اور 10,00,000 سرکار کی طرف سے ملیں گے۔ اگر سکول ڈرائیور کو گاڑی چلاتے وقت ڈرنک پوزیشن میں پایا گیا تو اس پہ 50,000 فائن امپوز کیا جائے گا اور 3 سال کی جیل بھی اس کے نصیب میں ہوگی اور اس کے لائسنس کو اسی وقت کینسل کیا جائے گا جن کی عمر 18 سے 25 سال تک ہوگی جو ایسے انسیڈنٹس میں ملوث پائے جائیں گے۔ اگر کسی بچے کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے تو 3,00,000 کا فائن بھرنا پڑتا ہے اور جو جیل ٹرم ہوتی ہے وہ کم سے کم 7 سال ہوتی ہے۔ اگر کوئی ٹریفک سگنل کو 3 بار توڑتا ہے تو اس پہ 15,000 فائن لگ سکتا ہے اور اس کا لائسنس بھی کینسل کیا جائے گا 1 مہینے کی مدت کے لیے اور اسے نئے سرے سے ٹرین کیا جائے گا۔
मोटर व्हीकल एक्ट 2016, इसमें नए फ्यूचर्स लाए गए यानी कि ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस क्या क्या सर्विसेज फराहम करती है यानी कि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंसेस। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी में इजाफा किया गया। तीसरा, लाइसेंस को पाने के लिए तालीमी काबिलियत की ज़रूरियत को ख़त्म किया गया। अगर छोटे बच्चों से यानी कि कम उम्र बच्चों से ख़ता होगी तो उस लिहाज में जो उस गाड़ी का व्हीकल का मालिक होगा उस पे सज़ा आयद होगी, और जेविनाइल को यानी कि जो उम्र में छोटा होगा उसे जेविनाइल एक्ट के तहत सज़ा दी जाएगी और उसकी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाएगी। इन सारे अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में 1988 में, ताकि रोड सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव किया जा सके और सिटीजन्स के लिए फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। कहाँ? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। इस बात पर भी जोर दिया गया कि रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाए, मुस्तकिम किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी मुस्तकिम किया जाए, और ई गवर्नेंस को हर एक गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाया जाए। इस बिल का सबसे बड़ा मकसद था कि रोड एक्सीडेंट्स को 2 लाख तक कम किया जाए यानी कि पहले 5 सालों में, और इससे 4% जीडीपी में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती थी अगर लोग रूल्स का पालन करते। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैफिक अथॉरिटी इन इंडिया। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है हमारे मुल्क में, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हमें हासिल होता है, और जो आरटीओ डिपार्टमेंट है ये डील करता है बहुत सारे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ से, मैटर्स से, जैसे कि यही ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, यही रजिस्ट्रेशन करते हैं मोटर व्हीकल्स की, यही परमिट्स को ग्रांट करते हैं और रेन्यू भी यही करते हैं, और दूसरे रेगुलेटरी एनफोर्समेंट सर्विसेज भी यही फराहम करते हैं। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक प्रोविजन के तहत काम करता है, और उस प्रोविजन को क्या कहते हैं, सेक्शन 213 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के कवानीन को नाफिजुल अमल में लाए। वर्किंग अथॉरिटीज़, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 2 कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ काम करता है। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 68 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। और वो 2 क्या है देखिए, एक तो है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दूसरा है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। यानी कि ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आरटीओ। देखिए क्या क्या काम होता है आरटीओ का। पहले तो वो लर्निंग लाइसेंस इशू करता है, उन्हें रिन्यू करता है, ड्राइविंग लाइसेंस वो इशू करता है, उन्हें वो रिन्यू करता है, ड्राइविंग लाइसेंस को वो मंजूरी देता है, और आरटीओ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू करता है। दूसरा है यहाँ पर रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, यानी कि ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स करते हैं और यही परमानेंट व्हीकल्स को रजिस्टर करते हैं। तीसरा, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का काम भी करते हैं, यानी कि अगर किसी को गाड़ी बेचनी हो उसे आरटीओ से ही डॉक्यूमेंट साइन करवाने पड़ते हैं, और यही एंट्री देते हैं हाइपोटिकेशन की, हायर परचेज की, लीज एग्रीमेंट की, यही इन चीज़ों को भी ख़त्म करते हैं यानी कि टर्मिनेट करते हैं, और यही इन चीज़ों को, इन कवानीन को नाफिजुल अमल में लाते हैं। यानी कि किस तरीके से ये हर रोज़ चेक किया करते हैं, मॉनिटर किया करते हैं। 2 एनफोर्समेंट एजेंसीज की वजह से इन कवानीन को पास करते हैं। पहला है एनफोर्समेंट विंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दूसरा है ट्रैफिक पुलिस। जुलाई 1989 में जो एक्ट पास किया गया यानी कि
rules of the road regulation वो हर एक driver पे लागू होता है, चाहे वो दो wheeler वाला हो, तीन wheeler वाला हो, चार wheeler वाला हो, यानी कि हर किसी को rule का पालन करना है, ताकि हर कोई safe journey में कामयाब हो, safe सफर में कामयाब हो. अगर कोई इन rules की violation करेगा, तो उसे सजा मिल सकती है और वो सजा इसे दोनों की ओर से मिल सकती है. और जो ज्यादातर offenses होती हैं वो नीचे discuss की गई हैं, यानी कि RRR, MVA, CMVR और जिनसे ये violations मुर्तकिब होती हैं उसके मुतलिक सजाएं भी मुकरर हुई है और उन्हें आप अच्छे से चेक कर सकते हो पेज नंबर 58 पे कि किस ऑफेंस का क्या जुर्माना भरना पड़ता है. अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा तो उसे 500 रुपया अदा करने हैं और उसे जेल भी हो सकती है. और अगर कोई दूसरे बंदे को गाड़ी देगा और उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं होगा तो उसे 1000 रुपया जुर्माना अदा करना होगा और उसे भी जेल हो सकती है. और अगर किसी के पास गाड़ी के कागजात नहीं होंगे तो उस पे 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. और अगर कोई ड्राइविंग विदाउट वैलिड इंश्योरेंस करे तो उस पे 1000 का जुर्माना आयद होगा और उसे भी जेल मिल सकती है. और अगर गाड़ी RC के बगैर होगी तो उस पे 2000 का जुर्माना आयद होगा. और अगर कोई बच्चा यानी कि माइनर ड्राइविंग करता होगा तो उस पे 500 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई हेलमेट के बगैर ड्राइविंग करेगा तो उस पे 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी को तेज चलाता होगा तो उस पे भी 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई रफ ड्राइविंग करता होगा तो उस पे भी 1000 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई डेंजरस या खतरनाक गाड़ी चला रहा होगा तो उस पे भी 1000 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर बाइक पे 3 बंदे सवार होंगे तो उन पे भी 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई फुटपाथ से पे गाड़ी चलाता होगा तो उस पे भी 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई राहगीरों की क्रॉसिंग लाइन पे रुका तो उस पे भी 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को यूनिफॉर्म में डिसओबे करेगा तो उस पे भी 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई सिग्नल के खिलाफ ड्राइविंग करेगा तो उस पे भी 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन करेगा तो उस पे भी 100 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अगर कोई शराब के नशे में या ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाता होगा तो उस पे भी 2000 का जुर्माना आयद होगा और उसे 6 माह की जेल मिलेगी. अगर कोई ड्राइविंग के वक्त फोन चलाता होगा तो उस पे 1000 रुपया का जुर्माना आयद होगा. अब इसके बाद हम बात करते हैं 4 E's की, जो बहुत ही जरूरत है ताकि हम एक्सीडेंट्स को रोक सके. जो ये 4 E's है वो ये है. देखिए, पहला जो ई है उसका मतलब हो गया इंजीनियरिंग, दूसरा जो ई है उसका मतलब हो गया एग्जीक्यूशन, तीसरा जो ई है उसका मतलब हो गया एनकरेजमेंट और चौथा जो ई है उसका मतलब हो गया एडिफिकेशन. इंजीनियरिंग का मतलब हो गया माहौल को तब्दील करना, एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया कवानीन को नाफिज करना, एनकरेजमेंट का मतलब हो गया लोगों की कोशिशों को सराहना, एडिफिकेशन का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को हासिल करना और उसे इस्तेमाल मिलाना. यानी कि इंजीनियरिंग में आते हैं स्ट्रक्चर, जो कि एक अहम रोल, क्रूशल रोल अदा करते हैं रोड एक्सीडेंट्स को कम करने में, क्योंकि इंजीनियरिंग से प्लानिंग की जाती है ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, पेडेस्ट्रियंस की क्रॉसिंग के बारे में, जंक्शन लेआउट्स के बारे में और स्पीड ब्रेकर्स के बारे में. और इन स्ट्रक्चर्स का एक अहम रोल बनता है ह्यूमन की गलतियों को कम करने में. जो इंसान बार बार गलतियां करता है, लेकिन इस इंजीनियरिंग से फिर वो लोग कम गलतियां करते हैं
और ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स फिर नहीं होते। दूसरा है एग्जीक्यूशन, यानी कि एक्सीडेंट्स तभी कम होंगे जब हम लॉ को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। पुलिस को चाहिए कि वो लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे ताकि जमीन पे कोई चेंज नजर आ सके और रोड एक्सीडेंट्स कम हो। और लॉ के जरिए ही ड्राइवर्स को निश्चित की जा सकती है कि ड्राइविंग किस तरह से की जाती है, गुड ड्राइविंग के क्या फायदे हैं, बैड ड्राइविंग के क्या नुकसान हैं, और उनमें डिसिप्लिन लाना एक बहुत बड़ा इकदाम है। और ज्यादातर हमें ये अपने मुल्क में अपनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले ही देखा कि यहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं साल में। तीसरा है एनकरेजमेंट, इसमें सिविल सोसाइटी का एक अहम रोल बनता है ताकि वो रोड यूजर्स को एजुकेट कर सके और उन्हें परसुएट कर सके कि वो अपना बिहेवियर चेंज करे और एक्सीडेंट्स से खुद को भी बचाए और दूसरों को भी बचाए। और ये अवेयरनेस वो न्यूज़पेपर्स के जरिए भी दे सकते हैं, रेडियो के जरिए दे सकते हैं, टेलीविजन के जरिए दे सकते हैं, मैगजीन्स के जरिए दे सकते हैं, बुक्स के जरिए दे सकते हैं, लीफलेट्स के जरिए दे सकते हैं, ताकि रोड कैंपेन्स को प्रमोशन हासिल हो, यानी कि वो प्रमोट हो सके। चौथा है एडुकेशन, यानी कि हमें रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी एजुकेशन प्रोग्राम्स को इवेलुएट किया जाए, किसकी बेस पे, क्लास असाइनमेंट्स के ज़रिए, मॉडल्स के ज़रिए, के स्टेज्स के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, प्रेजेंटेशंस के ज़रिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। और टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि वो ये सीखे ये क्या है और इसको कैसे दूसरों तक पहुंचाना है। ये प्रोग्राम्स पूरे मुल्क भर में होने चाहिए ताकि सारे लोगों को एड्रेस किया जा सके पूरे मुल्क में कि रोड सेफ्टी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि लोग सड़क की हिफाजत की तालीम के बुनियादी उसूल, तमाम अच्छे तरीकों की निशानदही करते हैं, इसके बारे में अच्छे से जान जाएं। अब हम बात करते हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन की, एग्जांपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसे भी मालिक है जो गुड प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं ताकि रोड सेफ्टी एजुकेशन सिटीजन्स में फैले, मुल्क के हर एक शहरी इसके बारे में अवेयर हो। जैसे कि नेपाल को ले ले, पपुआ को ले ले, न्यू जिनवा को ले ले, फ्रांस को ले ले, जर्मनी को ले ले, इंग्लैंड को ले ले, यूके को ले ले, स्वीडन को ले ले, वगैरह वगैरह। नेपाल में लोगों को पपेट रोड शो के ज़रिए अवेयर किया जाता है, यानी कि उन्हें रोड सेफ्टी एजुकेशन इन प्रोग्राम्स के ज़रिए दी जाती है। और रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स 1992 में वहाँ पे स्टार्ट किए गए, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स रोनुमा हुए। और फिर पुपेट्स को सिलेक्ट किया गया, यानी कि पुतलों को चूज़ किया गया ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, लोगों को रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि करीबन करीबन 80% से 50% तक मेल्स और फीमेल्स में नाखवानदगी थी। तो इसीलिए फिर पुतलों को इस्तेमाल में लाया गया और लोगों को रोड सेफ्टी एजुकेशन के ज़रिए अवेयर किया गया, और इन पुतलों के ज़रिए बच्चों को भी समझ आया कि रोड्स के क्या उसूल हैं। और जो ये पुपेट रोड शो थे, ये 20 मिनट तक एक सिंगल प्रॉब्लम पे फोकस करते थे ताकि लोगों को पूरे तरीके से समझ आए, यानी कि ये बात, यानी कि एक ही रूल उनके दिमाग में पहले अच्छे से इम्पार्ट हो, और लोग रूल्स के ज़रिए, यानी कि शहरी रूल्स के ज़रिए पूरे तरीके से अवेयर हो जाए। ये पुपेट्स बहुत ही सस्ते थे और ईजी इनसे ट्रांसपोर्ट बन सकता था, और इससे लोगों को ट्रैफिक रूल्स भी समझ आए।
और फिर लास्ट में टीचर्स का काम था ताकि वो स्कूल और कॉलेज में बच्चों को प्रिपेयर कर सके, और ये अप्रोच बहुत ही कारआमद साबित हुआ किसे फैलाने में, रोड सेफ्टी एजुकेशन को फैलाने में, यानी कि कहाँ पे, नेपाल में। और पपुआ न्यू जूनिया में क्या डेवलप किया गया, रोड स्मार्ट, यानी कि वहाँ पे लोगों को सिखाया गया कि रोड को कैसे स्मार्टली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्कूल के बच्चों को ट्रेन किया गया, यानी कि उन्हें ऑडियंस की नज़र से देखा गया। और मैनुअल में बहुत किस्म के सेफ्टी मैसेजेस थे और उसमें रूल्स और इन्फॉर्मेशन भी मौजूद था जिनसे बच्चे अट्रैक्ट हुए और एक्साइट हुए, और उनमें रोड सेफ्टी एजुकेशन किस तरह से इम्पार्ट हुई फ्रेंडली नेचर में। और इसी अप्रोच को फिर संविधान ने भी फॉलो किया और ने लोगों को क्वालिटी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि लोगों का रिश्ता ट्रांसपोर्ट के साथ विदाउट एनी डेंजर हो। और फ्रांस में क्या किया गया, वहाँ पे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया और प्राइवेट कंपनीज को वहाँ पे हायर किया गया चीज के लिए, रोड सेफ्टी इश्यूज के रिलेटेड, और गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के जरिए एग्रीमेंट्स हुई इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, नेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ फंड वालों के साथ और वॉलंटियर कंपनीज के साथ। और जो जर्मन ट्रैफिक स्टेट काउंसिल है वो एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, सेफ इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ड्राइविंग। और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो वहां पे भी बहुत सारे इकदाम उठाए गए किसके लिए, ताकि रोड सेफ्टी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके और ड्राइवर्स को ट्रेन किया जा सके, उनके लिए स्कीम्स को लॉन्च किया जा सके। अगर कोई आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सजा मुकर्रर की गई, एक्सीडेंट्स पे नज़र रखी गई, ड्राइवर्स पे नज़र रखी गई, और ड्राइवर्स के यहाँ से फीडबैक के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल रखे गए। इस तरह से आपका ये यूनिट कंप्लीट हुआ, यानी कि रोड सेफ्टी मेजर्स, या जिसे आप रोड सेफ्टी एजुकेशन भी कह सकते हैं, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।